हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो भाई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में फर्स्ट ओडीआई खेले जाने वाले, जिसको लेकर हम बात करेंगे। ये यंग इंडिया आ रही है इस बार साउथ अफ्रीका से लड़ाई करने के लिए, और यहाँ पर जो भारत के युवा हैं उनके पास पूरा मौका है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पूरा टैलेंट दिखा सके। जानेंगे कि इस मुकाबले के बारे में कौन से नए खिलाड़ी यहाँ खेलने वाले हैं। लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी आपको यहाँ डिटेल में देने वाला हूँ, और भी कुछ आपको जानने को मिलेगा। पहली बार विजिट कर रहे हो ना, सब्सक्राइब जरूर करो। तो भाई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला जो मुकाबला है वो न्यू वॉन्डरर्स स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि साउथ अफ्रीका का गढ़ माना जाता है। और वहाँ पे रिसेंटली 10 मुकाबले में से 8 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। आप चाहे चेस करो या डिफेंड करो, भाई वहाँ पे साउथ अफ्रीका का बहुत बेहतरीन गेम रहा है। लास्ट टाइम जब इंडिया न्यू वॉन्डर्स में खेले तो इंडिया का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं था। अगर आप यहाँ के स्टैट्स पर जाएं कि यहाँ का स्टैट्स क्या बोलता है, तो यहाँ पे अभी तक टोटल मुकाबले हुए हैं 51, और यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली जीती है 21 मुकाबले और गेंदबाजी करने वाली जीती है 28 मुकाबले। यानी कि बाद में यहाँ की पिच जो है वो फ्लैट होती जाती है। स्टार्टिंग में आपको स्विंग एंड बाउंस तो देखने को मिलेगा ही, पर बाद में बैट्समैन अगर यहाँ पे टिक जाता है तो बहुत बड़ी पारियां खेलते हुए देखने को मिलती हैं। अगर आप यहाँ का एवरेज देखें तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 240 है, सेकंड का 204 है। यानी अगर आप 270-80 बनाते हो ना, तो ये मत सोचना कि आप कंफर्टेबल हो गए हो। यहाँ पे वो भी चेज हो सकते हैं और वो भी मुश्किल हो सकती है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। अगर आप यहाँ, मैं आपको वेदर अपडेट दे दूँ कि आप ये वेदर क्या है, तो यहाँ बारिश की संभावना है 48%। यहाँ पे वेदर फोरकास्ट है थंडर स्टॉर्म का, और बारिश तो आने के आसार हैं ही, पर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है इस ग्राउंड का कि ये बैकअप कर सकते हैं उसको। अब हम आते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, और प्लेयर टू वॉच कौन होने वाला है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपना बेस्ट देने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम आप शायद पहली बार सुनो। तो पहले हम साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 जानते हैं। इनके जो ओपनिंग करने वाले हैं वो आपके रिजा हेंड्रिक्स और टोनी दे जॉर्जी, देन रस्सी वंदर दुसैन, एडन माक्रम इनके कप्तान होंगे, एंड्री क्लासेन, डेविड मिलर, वियान मल्डर, एंडिले फ्लिकवायो, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और लिजार्ड विलियम्स। तो ये होने वाले हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। और अब इंडिया का जानते हैं। रजत पाटीदार, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, आवेश खान। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि भाई ऋतुराज गायकवाड के फीवर बताया जा रहा है बहुत तेज का, और यहाँ पे आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे रजत पाटीदार और साई सुदर्शन। और अब मैं बताऊँ कि साउथ अफ्रीका की टीम से बेहतर परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, तो यहाँ पे एंड्री क्लासन मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होंगे, और गेंदबाजी में जो खतरनाक हो सकते हैं वो आपके केशव महाराज हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में लेटेस्ट मुकाबले हुए ना, तो वहाँ स्पिनर्स का भी दबदबा रहा है। वहीं अगर आप इंडिया की तरफ से देखो कौन सबसे बेहतर कर सकता है, तो भाई मुझे लगता है कि केएल राहुल आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, और यहाँ पे गेंदबाजी में कुलदीप यादव अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ेंगे। और इस पहले मुकाबले में मुझे जहाँ तक लगता है भाई साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में थोड़ी सी स्ट्रांग है कि वो यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। और आपकी क्या प्रेडिक्शन कहते हैं, यहाँ पे कौन सी टीम जीतेगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लाइव स्ट्रीमिंग की अगर मैं आपको बता दूं, दोपहर 1:30 बजे से आप लाइव देख सकते हो। अगर आप टेलीविजन पर देख रहे हो, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो हॉटस्टार पर आप लाइव देख सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।